नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रवार के दिन कौन सा मंत्र पढ़ें, कौन सा जप करें, क्या दान करें, जिससे आपके शुक्र ग्रह अच्छा हो, आज हम आपको महामंत्र में यह उपाय बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज का पंचांग क्या कहता है, राशियां क्या कहती हैं, तिथि क्या कहता है, योग क्या कहते हैं, और दिशाशूल कब है, राहु काल कब है, और अभिजीत मुहूर्त कब है, इसमें क्या क्या कार्य कैसे संपन्न होता है, ये सारी बातें आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 12 राशियों के बारे में कि आज किस राशि की चमकेगी किस्मत, किसका होगा भाग्योदय, कौन विदेश यात्रा जाएगा, किसका तीर्थाटन देशाटन होगा, किसके घर में शुभ कार्य होने वाला है, किसके घर में शुभ समाचार मिलेगा, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से आपको कैसे लाभ मिलेगा, ये सारी बातें बताऊंगा। किसको वाहन सुख मिलेगा, कौन विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा करेगा, कौन प्रशासनिक सेवा में जाएगा, कौन भारतीय पुलिस सेवा में जाएगा, ये सारी बातें बताएंगे। कौन सेना में जाएगा, कौन खेल के क्षेत्र में क्या करने वाला है, जो फिल्म में काम करने लोग हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको गुरु के नुस्खे में बताएंगे कि कौन सा उपाय करें, कौन सा तरीका निकालें, और कैसे अपनी गृहस्थिति को ठीक करें, जिससे आपकी गृहस्थितियाँ ठीक हो, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, और जो आज के दिन जन्मे जातक हैं उनका कैसा रह गया वर्ष, ये भी बताएंगे। ये सारी बातें बताएंगे आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के महामंत्र की। आज का जो महामंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस तरीके से आप जो भी मंत्र आपको सरल लगे, जो आप उच्चारण कर सकते हैं, इस मंत्र का जप करें। भारतीय ज्योतिष में कहा गया है कि शुक्र की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण होती है, चाहे संतान उत्पत्ति का हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे पति पत्नी के रिश्ते का हो, चाहे व्यक्ति के जीवन में ग्लैमर का हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया का हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, शुक्र की भूमिका बहुत ही अहम होती है। अगर आपकी कुंडली में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत प्रगति कर सकते हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको गाड़ी का सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, नौकर का सुख मिलेगा, जो लग्जरी से संबंधित जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, वह शुक्र की कृपा से ही संभव है। वहीं शुक्र के खराब होने से आपकी नेत्र पीड़ा हो सकती है, आपको अपयश मिल सकता है, आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, आपके जीवन में तनाव हो सकता है, दुख का कारण हो सकता है, सुख में न्यूनता हो सकती है। तो जीवन जीने के लिए शुक्र की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शुक्र ग्रह को आप छोटी छोटी उपाय अगर कर लें तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो सकता है। आपके ग्रहों को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन आपको उपाय बता सकते हैं, जैसे ग्रहों की जो इंटेंसिटी है वह उसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। ग्रहों की स्थिति को आप नहीं बदला जा सकता, आपको एक मार्गदर्शक मार्ग बताया जा सकता है, रास्ता बताया जा सकता है। वस्तु का दान करें, दूध से बनी मिठाई दान करें, अपनी माता बहन महिला का सम्मान करें, कोई गरीब व्यक्ति है उसका सम्मान करें, लोगों की मदद करें, आपका शुक्र ग्रह अपने आप मजबूत हो जाएगा। खास तौर से अगर कोई गरीब व्यक्ति है, जरूरतमंद महिला है, तो उनका सम्मान करिए। श्रृंगार की वस्तु का दान करिए, ऐसा करेंगे तो आपकी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी होगी। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 26 अगस्त 2022, दिन है शुक्रवार, चतुर्दशी तिथि है जो दोपहर 12:26 तक रहेगा। अश्लेषा नक्षत्र जो शाम 6:33 तक रहेगा। कृष्ण पक्ष है, परिधि योग है जो अगले दिन 2:10 तक रहेगा। सूर्योदय हो चुका है प्रातःकाल 5:55 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:49 पर। चंद्रमा रहेगा कर्क राशि में, शुभ समय है प्रातःकाल 11:56 से लेकर 12:48 तक रहेगा। राहु काल है सुबह 10:46 से लेकर के दोपहर 12:22 तक रहेगा। पश्चिम दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। हमेशा जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि शुभ मुहूर्त में ही यात्रा करना चाहिए, दिशाशूल में यात्रा वर्जित है।
राहु काल में किया गया कार्य सफलीभूत नहीं हो पाता, इसलिए राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने को परहेज करें। शुभ मुहूर्त में अगर अभिजीत मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो आपके कार्य आगे बढ़ेंगे, प्रगति होगी। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि 12 राशियां क्या कहती हैं, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, किसकी पदोन्नति होगी, किसकी सरकारी नौकरी मिलेगी, कौन राजनीति में बड़ा कुछ करने वाला है, किसको शेयर के फील्ड से लाभ मिलेगा, कौन ट्रेडिंग से धन कमाएगा, किसको आयात निर्यात से धन मिलेगा, और आपकी माता जी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किसकी किसकी पत्नी का हेल्थ कैसा रहेगा, वेल्थ कैसा रहेगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। बात करते हैं मेष राशि की, तो जो मेष राशि के जातक हैं आज आपको आर्थिक दृष्टिकोण से कालखंड बहुत अच्छा आपको आर्थिक लाभ होते हुए दिख रहा है। न्यायालय में से अगर कोई भी बात का चल रहा होगा तो उसमें आपको धन लाभ मिलेगा, उसमें आपको विजयश्री मिलेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, संतान से मन प्रसन्न रहेगा, आपके कर्म क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, पिता से छोटी छोटी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद रहता है, भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, आपका भाग्य आपके पक्ष में है, दूर देश की यात्रा होगा, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा। आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय क्या करना है कि सूर्य देव की आराधना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग केसरिया, लक में तेरे साथ, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृष राशि की, तो जो वृष राशि के जातक हैं आज आपके संकट समाप्त होगा, आज आपका स्थानांतरण हो सकता है और आपकी नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। योजनाएं सोच समझकर बनावें और उसको करने के लिए बनावें, केवल योजनाएं ना बनावें, आपको अगर कार्य करना हो तभी योजना बनाइए। गृह निर्माण का प्रबल योग बन रहा है, वाहन लाभ का योग बन रहा है, भाग्य से आज आपके व्यापार अच्छे होंगे, साझेदारी में व्यापार न करें नहीं तो नुकसान हो सकता है। माता पिता का सुख मिलेगा, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से अभी थोड़ा सा अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके पक्ष में जा सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, किसी पर गुस्सा न करें। शुभ अंक 2 शुभ रंग सफेद, लक मीटर 6, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की, तो जो मिथुन राशि के जातक हैं आज आपके सारे रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, अर्थ की स्थिति मजबूत होगी, प्रगति के ढेर सारे अवसर प्राप्त होंगे और आज आपका मन स्थिति अच्छा होगा, धन अर्जन अच्छा करेंगे, जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, यात्रा का योग बन रहा है, संतान सुख मिलेगा, घर में नए मेहमान के आगमन की संभावना बन रही है, पत्नी को सरकारी नौकरी मिल सकता है, आज आपकी प्रगति होने का प्रबल योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, नए कार्य जो भी करते हैं सलाह लेकर ही करें। उपाय क्या करना है, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करावें, उनकी मदद करें। शुभ अंक 2 शुभ रंग सफेद, लक मीटर 6, हरे कृष्ण। आइए अब हम बात करते हैं कर्क राशि के, तो जो कर्क राशि के जातक हैं आज आपका मन काफ़ी चंचल रहेगा, चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, तो अपने मन पर नियंत्रण करें। जमीन खरीदने का प्रबल योग बन रहा है, मन को नियंत्रण में रखें, एकाग्र होकर अपने कार्य में ध्यान दें, प्रगति का ढेर सारे अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, पदोन्नति का योग स्थानांतरण के साथ होने का योग बन रहा है, दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी, अगर कोई घर में बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में बहुत सुधार होगा, उसको धन लाभ होगा। अगर आप कोई घर बनाने की प्लान करें तो घर बनने का योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, परिवार में एकता बनाना हितकर रहेगा। उपाय क्या करना है, सफ़ेद वस्त्र दान करें। शुभ अंक 2 शुभ रंग है नीला, लक्ष्मीटर 4, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की, तो जो सिंह राशि के जातक हैं आज अपना आलस्य का परित्याग करें, नए कार्य के क्षेत्र में लग जाइए, नए कार्य संपन्न होंगे, पराक्रम से बड़ी सफलता मिलेगी, संतान से मन प्रसन्न रहेगा, न्यायालय से आज आपको विजय श्री मिलेगी जिससे माली हालत अच्छी होगी और आज आपका आय से ज़्यादा व्यय करने से बचें नहीं तो मन चिंतित हो सकता है। इनकम के जरिया पर ध्यान रखें, अपने पारिवारिक की स्थिति पर भी ध्यान रखें, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। सावधानी क्या बरतनी है, सकारात्मक सोच रखना आपके लिए अच्छा है, जितना नकारात्मक सोचेंगे उतना आपको नुकसान होगा, इसलिए बेहतरीन है कि सकारात्मक विचारधारा ही मन में आने दें। उपाय क्या करना है, भोलेनाथ का जलाभिषेक करें, आप भांग धतूर बेलपत्र अर्पित करें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आज आपको अगले शुभ अंक 9 शुभ रंग है गोल्डन और लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की, तो जो कन्या राशि के जातक हैं
आज आपका समय व्यवसायिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम चल रहा है। नए तरह के व्यापार व्यवसाय करें, आपको लाभ मिलेगा। शेयर में, ट्रेडिंग में पूंजी निवेश करते तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। पिता से धन लाभ होगा, संतान सुख मिलेगा और मन स्थिति आपकी थोड़ा सा उद्विग्न हो सकती है। संतान से मन प्रसन्न रहेगा और माता पिता का सुख मिलेगा। अगर घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। न्यायालय में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा हो तो उसमें आपके प्रतिकूल हो सकता है और आज आपके सामने तमाम तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे और आपके लिए समय सायंकाल तक बहुत अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, कलह और विवाद से बचें, पूरी एनर्जी अपने विकास में लगावें। उपाय क्या करना है, चिड़ियों को दाना खिलावें, पानी पिलावें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तो जो तुला राशि के जातक हैं, आर्थिक क्षेत्र में आज आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा। चौतरफा लाभ का योग बन रहा है, नए प्रकार के वाहन खरीदने का योग बन रहा है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति का योग बन रहा है। आप कहीं भी हैं, किसी भी जॉब में हैं, आज आपकी पदोन्नत होने का योग बन रहा है। यात्रा का योग बन रहा है, यात्रा से धन लाभ भी होते हुए दिख रहा है। आपके पुराने मित्र मिलेंगे, पुराने सगे संबंधी मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कुछ नई योजनाएं बनाएंगे जो सफलीभूत होते हुए दिख रही है। कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपको धोखा दे सकते हैं। महिला मित्र से आज आपको धोखा मिल सकता है, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज गति की गाड़ी कतई न चलावें, नहीं तो दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना बन रही है। अगर घर में कोई भी व्यक्ति है, बड़ा आदमी, आपके घर में माता पिता, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, सबसे अच्छा व्यवहार करें। उपाय क्या करना है, चंद्रमा को अर्घ दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपके धन लाभ के योग प्रबल बन रहा है। चारों तरफ से धन की स्थिति मजबूत होगी। पदोन्नति के भी रास्ते खुले हुए हैं। आज आपका समाधान, संकट समाधान होगा और स्थिति अच्छी होगी। कार्य संपन्न होंगे, कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा। रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस वगैरह पूंजी निवेश करते हैं तो थोड़ा सा रुकें, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, तो इससे बचना है। स्ट्रेंजर से, नए व्यक्ति से कोई व्यापार नहीं करना है। सावधानी क्या बरतनी है, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, लाल वस्त्र का दान करें। आपके लिए शुभ अंक 8, शुभ रंग है नारंगी, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। अपने आत्मविश्वास के बल पर बड़े बड़े कार्य करेंगे। विवादों से बचने की जरूरत है, कंट्रोवर्सी में न पड़े, नहीं तो परेशानियां हो सकती हैं। धन में वृद्धि का योग बन रहा है, लेखन कार्य से धन मिलेगा। मन में तनाव की स्थिति हो सकती है, माली हालत अच्छी होगी। पिता का सुख मिलेगा, माता के सहयोग से कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, दाम्पत्य में सुधार होगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है। बच्चों की टेरिटरी में दखल अंदाजी न करें, उनको इनकरेज करें और मेंटल सपोर्ट करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, कल्प कोई कार्य न टालें। उपाय क्या करना है, कोई पुस्तक किसी गरीब व्यक्ति को गिफ्ट करें जो नीडी है, जरूरतमंद है, पढ़ने वाला है। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफ़ेद, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपके व्यापार में नए तरह के कार्यों से, आयात निर्यात से धन लाभ मिलने का योग बन रहा है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, उसके दिशा निर्देशन में चलें और अपने मन को शांत रखें। उतावलेपन में किया गया कार्य नुकसानदेह हो सकता है। पदोन्नत का योग बन रहा है, लेखन कार्य में धन से लाभ होगा। पत्नी से मतभेद हो सकता है, सावधानी क्या बरतनी है, बिना सलाह के किसी नए कार्य की शुरुआत न करें। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि कुत्ते को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग स्लेटी, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको नए कार्यों से लाभ मिलेगा। कोई भी प्लान करते हो सफलीभूत होते हुए दिख रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यापार में बढ़ोतरी का योग बन रहा है। संततियों से लाभ होगा, संतान सुख मिलते हुए दिख रहा है। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी, पिता का सुख मिलेगा, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल होंगे। भाई बहनों के लिए जो आपने योजना बनाया है वो सफल होते हुए दिख रहा है। भाई या बहन को किसी एक को नौकरी लग सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, दिमाग से निर्णय लें, दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लें। उपाय क्या करना है, शिव मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफ़ेद, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि बहुत संवेदनशील है, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट करती है। पिता का सुख मिलेगा,
माता के सहयोग से कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। दूर देश की यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा का योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से लाभ होगा, कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा और अगर कोई बड़े लेवल पर प्लानिंग करे तो उसमें सफलता मिलते हुए दिख रही। भूमि भवन प्रॉपर्टी इत्यादि में भी आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको ध्यान रखना है कि अपने सावधानी में के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। उपाय क्या करना है, जरूरतमंद व्यक्ति को खिचड़ी खिलावें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। आज हम आपको गुरु के नुस्खे में बताएंगे कि असुर गुरु शुक्र को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोग की चीज़ें उपलब्ध हो। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगा, क्या करिए, क्या नहीं करना है, क्या दान करना है, कौन सा मंत्र पढ़ना है जिससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो। तो आइए हम आपको बताते हैं शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय। जैसे सफ़ेद चीज़ें हैं, क्या है, चंदन है, चावल है, सफ़ेद वस्त्र है, फूल है, चांदी, घी, दही, शक्कर आदि को किसी भी अविवाहित कन्या को दान करना चाहिए। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तो चींटी को चीनी और आटा खिलावें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और मंत्र पढ़िए, ओम सुं शुक्राय नमः, ओम सुं शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंडली में अगर आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करना है तो उसके लिए शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। शुक्र को प्रबल करने के लिए हीरा, पुखराज, जरकन, मोती, सफ़ेद वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। शुक्र ग्रह को सफ़ेद रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए सफ़ेद रंग का वस्त्र भी आप धारण करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। दूसरा उपाय कि पानी में इलायची डालकर स्नान करें, इससे भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तो आज हमने आपको बताया कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने से ऐश्वर्य भोग सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। इसको आप अपनाइए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब हमारे दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, कुलजीत जी। हाँ कुलजीत जी, बताइए। राम राम। राम राम जी पंडित जी। जी क्या जानना चाहते हैं कुलजीत जी? अपने भविष्य के बारे में जानना चाह रहे हैं। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21 जून 1994। जी, और आपका समय क्या है? सुबह 5:30 बजे मंगलवार। जी ठीक है। स्थान? स्थान ग्राम रायपुर जसपुर के पास है। अच्छा ओके ठीक है। देखिए कुलजीत जी, जो आपका जन्म है मिथुन लग्न का है, लग्नेश आपका बुध है, बुध अपने घर का होके लग्न में बैठा है सूर्य के साथ, तो बुध आदित्य योग बनाता है। तो जो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो ऐसे लोग बड़े संवेदनशील होते हैं, इमोशनल होते हैं और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, दूरदर्शी होते हैं और अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। आइडिया इनके पास बहुत होती है, फर्टाइल आइडिया बहुत होती है। उसका अगर 1000 अंश भी इम्प्लीमेंट कर लें तो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य बुध बुधादित्य योग होने से व्यक्ति के नाते व्यक्ति पढ़ने लिखने वाला साहित्यकार होता है, अच्छा कर सकता है, जीवन में काफ़ी धन अर्जित कर सकता है, आप योजनाएँ बना सकता है और आपकी जो भी योजनाएँ होंगी सफलीभूत होंगी। धन धान की स्थिति अच्छी होगी, पारिवारिक बैकग्राउंड बढ़िया होगा और अभी जो आने वाला समय है आपका 21 जून 2022 से लेकर के 24-1-2025 तक का कालखंड आपके लिए स्वर्णिम है। इसमें व्यापार में वृद्धि होगी, जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। जी, और क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी सर, विदेश यात्रा के बारे में जानना चाह रहे हैं। विदेश यात्रा का आपका अक्टूबर से लेकर के जून के बीच में बन रहा है, अक्टूबर 2022 से लेकर के जून 2023 के बीच में विदेश यात्रा का योग बन रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आज के दिन जो जन्मे जातक हैं उनका दिन कैसा रहेगा, उनका वर्ष कैसा रहेगा, क्या सावधानियां बरतें, क्या उपाय करें, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो आज जिन जातकों का जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो। तो 26 के जो जन्म जातक उनका मूलांक 8 होता है, तो 8 तारीख 17 26 तारीख के जो जन्म जातक हो तो उनका मूलांक 8 होता है। 8 वाले जो जातक होते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं, सोशल वर्क ज़्यादा करते हैं। अपने लिए उनकी कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, वह कोई ना कोई एक टास्क लेकर टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करते हैं और जिस फील्ड में होते हैं वो महार, उनको काफ़ी नाम होता है,
उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, मान सम्मान मिलता है और बहुत ही डेडिकेटेड होकर कार्य करते हैं। आज जिन जातकों का जन्मदिन है उनके लिए खास तौर से सावधानी ये बरतनी है कि आप एग्रेसिव होकर गुस्से में आके कोई कार्य आपको नहीं करना है, उससे नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करनी है। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इस मंत्र का जप करें ताकि आपका मंगल ग्रह स्ट्रांग हो। भाग्य गुरु में बस आज इतना ही, फिर हम आपसे कल इसी समय इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।